तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आपका स्वागत है इंडिक मास्टर क्लास पर। तो मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज के कुछ एंट्रेंस के हमें कैंडिडेट मिले हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका पेपर कैसा गया और इसका कट ऑफ कितना आता है, और किसी को अगर इसकी तैयारी करनी हो तो कैसे करनी होगी। तो आप लोग सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। संदीप बंसल। आपका नाम? मेरा नाम उस्मान है और मैं पलवल से रहना। आपका नाम भाई? निशांत कुमार बंसल, डिस्ट्रिक्ट बागपत। तो आप बागपत से आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कैसा गया आपका पेपर? जी बहुत अच्छा पेपर हुआ है। हमने तैयारी नेट जो पीवर्स क्विज होती हैं उन्हीं से की थी। तो इस क्वेश्चन कैसे थे, इजी थे या हार्ड थे? इसमें जी के बेस होता है, सब कुछ है, सब कुछ होता नहीं हार्ड और बेस। मैथ में होता है ये, तो अगर याद है तो इजी है, याद नहीं है तो हार्ड है। अच्छा, आप बता दीजिए कि इसमें कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इस पेपर में? इसमें सबसे पहले तो बैचलर डिग्री के अगर किसी की तैयारी बढ़िया है तो उससे ही संबंधित आते हैं। ऐसे रीजनिंग, पीजनिंग, मैथमेटिक्स वगैरह कुछ नहीं आता। इसमें सिर्फ बैचलर डिग्री से संबंधित है और लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जिसकी बैचलर डिग्री पे पकड़ मजबूत है तो इंशाल्लाह निकल जाएगा उसके टेस्ट, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसमें कितने सवाल पूछे जाते हैं भाई, आप बताइए? 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, सभी बैचलर डिग्री से आते हैं। और जैसे आप बता दीजिए कि आपका पेपर कैसा गया, आपको कैसा लगा पेपर, इजी लगा या हार्ड लगा? पेपर इजी था, काफ़ी टफ नहीं था, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा सब बच्चों को। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स, आपको अंदाजा है कि कितने स्टूडेंट्स एंट्रेंस देने आए थे? 80 स्टूडेंट एंट्रेंस देने आए थे जिनमें 20 एब्सेंट थे। तो यहाँ पे 35 सीट है ऑलरेडी, हो जाएगा कुछ बच्चे अदर यूनिवर्सिटी में। बस 80 स्टूडेंट्स एंट्रेंस देने आए थे? 80 बच्चे ही आए थे। तो ये सिर्फ आपके कमरे की बात थी या फिर और भी कमरे होंगे जिसमें? टोटल 4 रूम में एग्ज़ाम था, जिसमें मेरे रूम में 6 बच्चे एबसेंट थे, दूसरे रूम में एक बच्चा था, एक रूम में 9 बच्चे थे, ऐसे ही थे, टोटल 20 बच्चे एबसेंट थे। अच्छा, तो इसकी तैयारी अगर करनी हो तो आने वाले स्टूडेंट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे वो पढ़ें? इसकी तैयारी आने वाले स्टूडेंट को यही बोलेंगे कि अगर बैचलर अच्छे से की है तो उसके ही नोट्स वगैरह। बैचलर्स में कौन से सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़े? टोटल 5 सब्जेक्ट है, उनको ही अच्छे से करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, ICT वगैरह सबसे ही अच्छा करना पड़ेगा, सबसे अच्छा करना पड़ेगा। आप बताइए कि कौन कौन सी आपने प्रिपरेशन के दौरान आपने किताबें लगाई या फिर कौन कौन से किताबें पढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स को? किताबें तो देखो बैचलर डिग्री में जो आपने पढ़ी हैं वही पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ यूट्यूब पर भी चैनल हैं जैसे फ़हीम अशरफ सर का है, टारगेट अभी इस लंच, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, SLC क्लास देते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि अपनी सेल्फ स्टडीजी सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। आप बताइए आपने कैसे इसकी तैयारी करी और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी थे और मैं कहूँगा सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर निकालें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं? 4 ईयर किए थे, पिछले 4 साल के। जी एक और कैंडिडेट हमारे साथ आ गया, आप अपना नाम बता दीजिए। माई नाम इस सागिब अली। तो अभी ये लाइब्रेरी साइंसेज का पेपर देखे आ रहे हैं? जी, लाइब्रेरी साइंस का। कैसा पेपर था, इजी था या हार्ड था? हमारे लेवल से तो इजी था, हमारे लिए तो इजी था, बाकी बच्चों का बाहर वालों का पता। अच्छा, आपके लिए इजी था जी। आपने इसके लिए कहीं तैयारी करी थी? कुछ नहीं, बस प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़े थे, बाकी जो है नेट के क्वेश्चन पढ़े थे नेट लेवल के। कोई इसकी तैयारी अगर करना चाहता है तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनके लिए जो है नेट का जो है सिलेबस पढ़ें, उसी से आता सारा। अच्छा, और कितने सवाल इसमें पूछे जाते हैं? 100 100 सवाल पूछे जाते हैं? जी, 100 सवाल। और वो 100 सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, किस किस डिपार्टमेंट एरिया क्षेत्र से पूछे जाते हैं? जनरल नॉलेज या फिर रीजनिंग? जनरल नॉलेज, लाइब्रेरी से संबंधित हैं सारे जो है, कंप्यूटर के से हैं बस, और किस और उस साधन नहीं आता। आप वैसे कहाँ से हैं एग्ज़ाम देने यहाँ पे? मैं मुरादाबाद से हूँ। अच्छा, आप सबसे मेरा एक कॉमन सवाल रहेगा कि आपने लाइब्रेरी साइंसेज के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया को क्यों चूज करा? हमने यहाँ से जो है बैचलर कर रखा है इसमें लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे जो था एडेट दिया है अटैम्प्ट, इसके बाद अगर इससे अदर कहीं एडमिशन होता तो यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा, तो आपने कहीं और भी एंट्रेंस दिया? हाँ, एंट्रेंस है अलीगढ़ और DU, दोनों का आपने एंट्रेंस दिया? नहीं, अभी दिया नहीं है, एक का कल है। तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगा तीनों, अगर आपको निकल जाता है तो कौन सा चूज़ करेंगे? DU चूज़ करेंगे जी। आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को क्यों चूज़ करा है इस लाइब्रेरी साइंसेज के लिए? यहाँ अच्छा माहौल है पढ़ाई के लिए, इसलिए इसे चूज किया है। बाकी अदर ऑप्शन भी है, अगर DU वगैरह जाना चाहें तो DU में एंट्रेंस अभी हुआ नहीं है, वहाँ पे भी जा सकते हैं। आपने वहाँ का भी फॉर्म भरा? हाँ, अलीगढ़ और DU का भी भरा। अच्छा, आप भी क्या इन तीनों में से किसको चूज करना चाहेंगे अगर तीनों निकल गया तो? फर्स्ट जामिया, सेकेंड DU है। अच्छा, आपने अभी कहीं एंट्रेंस दिया है इसके अलावा, या फिर आपने जामिया को क्यों चूज करा है इसके लिए? भाई मेरी नज़र में जामिया सबसे बेस्ट है। अच्छा, हाँ, इससे बेस्ट यूनिवर्सिटी कोई नहीं है, क्योंकि इसी साल
आईएएस की जो वही है आरसीए की कोचिंग में फर्स्ट जो श्रुति जी हैं उसने फर्स्ट डिवीजन हासिल की है पूरे ऑल इंडिया में टॉप में। तो इससे बेहतर और क्या एग्जाम हो सकता है इससे जाने का। तो आपको भी आरसीए में जाना है क्या? नहीं, आरसीए तो मैं नहीं दे पाऊँ क्योंकि मेरी एज नहीं रह पाई है लास्ट ईयर। तो मैंने एक दो बार पहले ट्राई कराया था उसमें मेरिट नंबर नहीं आ पाया मेरा, तो इसलिए मैंने कुछ कंडीशन ऐसी थी मैं दे ना पाया। फिर उसके बाद अब मेरा सिर्फ एक ही फोकस है ओनली लाइब्रेरी साइंस। तो अब आरसीए थर्ड ग्रेड राजस्थान की इसमें कुछ वैकेंसी निकले उसकी मैं तैयारी प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और आप बताइए आपने क्यों लाइब्रेरी साइंसेज के लिए जामिया को चूज़ करा है? सर मेरी बैचलर डिग्री बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जामिया सही है और मैं यहाँ पर रहूँ तो मुझे इसका माहौल बहुत अच्छा लगा है, स्टडी बहुत अच्छी होती है यहाँ पर। और मैंने ड्यू का भी भरा ऐसा नहीं है, ड्यू का बिहार और अलीगढ़ का भी दोनों जगह भी भरा। अगर तीनों निकल जाता है तो कौन सा चूज़ करेंगे आप? ड्यू चूज़ करेंगे। इसमें जो फैकल्टी बेस्ट होगी ड्यू की होगी। अच्छा जी, चलिए सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। शुक्रिया।